वेलकम टू खान किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए आज हम अपने किचन में बनाएंगे किमामी सिमई, जो हम विदाउट मावा या खोया के बनाएंगे। और देखिए कैसे बनाते हैं इसे। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए बिना मावे या बिना खोए के जो हम सिमई बनाएंगे, उसके लिए हम लेंगे लगभग 50 ग्राम सिमई, 100 ग्राम हमें शक्कर चाहिए या चीनी। उसके बाद हम लेंगे एक बड़ी कटोरी मलाई, काजू लेंगे हम लगभग 2 टीस्पून, बादाम लेंगे हम 2 टीस्पून जिसको हमने क्रश कर लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और फूड कलर, ये फूड कलर हमें लेना है। और इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जितनी सिमई है, लगभग अगर हमारी 50 ग्राम सिमई है तो हम उसमें 100 ग्राम चीनी यूज़ करेंगे। जितनी सिमई हमारी है हमें उसकी दुगनी शक्कर यूज़ करनी है। और उसके अलावा हम लेंगे घी लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम अपना घी डाल के उसको गर्म कर लेंगे। और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हैं, जैसे ये हमारा काजू है और ये बादाम है। इन दोनों चीज़ों को हम डाल के थोड़ा सा सॉटे करेंगे घी में डाल के, और उसके बाद हम डालेंगे उसमें सिवई, और सिवई को भी हमें रोस्ट कर लेना है। थोड़े से काजू बादाम हम बचा लेंगे जो बाद में हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। देखिए हमने इसमें अपने काजू बादाम डाल दिए हैं। आंच बहुत तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो हमारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। ये देखिए हमने हल्के से काजू और बादाम अपने सॉटे कर लिए हैं। आप चाहें तो दूसरे ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नारियल, पिस्ता, चिरौंजी, जो भी यूज़ करना चाहते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सिमई और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे, लगातार चलाइए जिससे हमारी सिमई जले नहीं। लगातार चलाते हुए इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। लगभग 5 मिनट इसको चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। सिमई देखिए हमारी भुन गई है, हमने इसको लो फ्लेम पे लगभग 5 मिनट भून लिया था। देखिए अच्छी तरह से भुन गई है, साथ ही साथ हमारे ड्राई फ्रूट जो हमने उसमें डाले थे वो भी भुन गए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मलाई जो हमने ली है। मलाई लीजिए, दूध नहीं लेना है आपको, मलाई लेनी है। और मलाई डाल के इसको जब तक पकाएं तब तक ये हमारी सिमई गल ना जाए। मलाई डाल दीजिए, मलाई हमारे घर में आसानी से हमें मिल जाती है तो आप इसमें मलाई डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए मलाई डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस इतना पानी हमें डालना है कि हमारी जो सिवई है वो हल्की सी गल जाए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको ढक के लगभग 1 से 2 मिनट पका लीजिए। देखिए इसको हमने 2 से 3 मिनट ढक के पका लिया था। देखिए सिमई हमारी टेंडर हो गई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चीनी, और चीनी डाल के हम इसको 5 मिनट भूनेंगे जिससे इसमें चाशनी सी छूटेगी, चीनी से पानी निकले छूटेगा। देखिए किस तरह से चीनी डाल के हमें इस तरह से चीनी मेल्ट होने तक इसको भूनना है। इस तरह से आप चीनी मेल्ट होने तक इसको लगातार चलाते हुए भूनिए। चीनी हमारी मेल्ट होते ही इसका कलर चेंज हो गया है, एक अच्छा सा कलर आ गया है। लगातार चलाइए, इस बात का ध्यान रखिए हमें इसको लगातार चलाना है और चीनी को अच्छी तरह से अपने सिवई में मिक्स कर लेना है। देखिए सिवई को भूनते हुए हमें लगभग
5 मिनट हो गए हैं। देखिए इसकी जो चीनी थी वो उस मेल्ट होके थोड़ा सा वो हल्के से इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। सिवई हमारी हल्की सी टाइट होने लगी है और अब हम डाल देंगे इसमें फूड कलर, जो हमने जिसका थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल के पेस्ट बना लिया था। फूड कलर डाल दीजिए और इसको लगातार चलाइए जिससे फूड कलर हमारी सिवई में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लगातार चलाते हुए फूड सारी सिवई में आप अपने फूड कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है, आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कलर देता है। ये फूड कलर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है हमारी सिवई में, देखिए कितना नाइस कलर आया है। और इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट और भूनेंगे और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। देखिए हमने इसे 1-2 मिनट और भून लिया है और अब हम इसे करते हैं डिश आउट और फिर दिखाते हैं आपको। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप आराम से बना सकती हैं। अगर आपके पास खोया या मावा नहीं है तो आप ये सिवई फटाफट बना के ईद में अपने मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं। और देखिए हमारी सिवई भुन गई है। अब जो हमने इलायची पाउडर लिया था उसको हम इसमें ऊपर से डाल देंगे इस तरह से, जिससे इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी। देखिए ये सिवई हमने अपनी कर ली है डिश आउट। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सरल रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है, साथ ही साथ बहुत यमी भी लगती है। और अगर आपको मेरी ये किमामी सिवई विदाउट खोया पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।